हेलो गाइस, पीएचजी के हमारे यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज गाइस मेरे हाथ में दो स्मार्टफोन एक साथ देख सकते हो। एक है गाइस Realme Nazo 50 Pro 5G और दूसरा है गाइस OnePlus Nord CE2 Lite। और इस दोनों स्मार्टफोन का अंडर 20,000 कैटेगरी पर सबसे अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन माना जाता है। सो गाइस चलो दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही फ्री फायर मैक्स गेम को खेलते हैं और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन दूसरे को यहाँ पर बीट कर पाता है। सो यहाँ पर देख सकते हो गाइस दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही फ्री फायर मैक्स गेम यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लिया और एक साथ दोनों स्मार्टफोन के अंदर ओपन करके देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन फ्री फायर गेम को सबसे पहले ओपन करता है। अभी गाइस देख सकते हो मैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर मैक्स गेम को एक साथ टैप कर दिया और लोडिंग यहाँ पर OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन के अंदर स्टार्ट हो गया है। गेम स्टार्ट होने का ऑप्शन भी आ गया, लेकिन Realme Nazo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर अभी भी लोडिंग चल रहा है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो OnePlus Nord CE2 Lite फ्री फायर गेम को पहले ओपन कर दिया, उसके बाद Nazo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर गेम ओपन हुआ है। सो गेम ओपनिंग टाइम यहाँ पर OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन का बहुत ही फास्ट बोल सकते हो। सो गाइस OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन गेम को तो पहले ओपन करते हैं, लेकिन कौन सा स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने के लिए मिलता है ये गाइस अभी हम देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैं अब लोगों को ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर मैं सेम ग्राफिक्स पर गेम को खेलूंगा। सो गाइस यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हो मैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही मैक्स ग्राफिक्स कर दिया, उसके साथ IPS शैडो कलर फिल्टर जो है सबको गाइस ऑन कर दिया। मतलब दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही सेम ग्राफिक्स पर यहाँ पर मैं गेम को खेलने वाला हूँ। सो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर देखते कौन सा स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है। और अभी गाइस मैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही 4v4 प्लेयर स्क्वाड मैच को स्टार्ट कर दिया। सो गेम के अंदर जाके देखते गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। और सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं Realme Nazo 50 Pro 5G स्मार्टफोन पर ले लिया और मेरे हाथ में है A94 गन। अभी देखते हैं हेडशॉट कैसा देखने के लिए मिलता है, सेंसिटिविटी कैसा है और हीटिंग इशू है या नहीं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड राउंड के अंदर तो हम आ गए और ये नेक्स्ट एयर मैप ऐसा है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई बंदा कहाँ है, कहाँ से मेरे को मार रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद भी गाइस यहाँ पर A94 गन से दो बंदे को यहाँ पर बैक टू बैक बहुत ही बढ़िया तरीके से हेडशॉट मार दिया। सेंसिटिविटी को तो गाइस मेरे को पहली इंप्रेशन में बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है, सेंसिटिविटी पर कोई भी इशू नहीं है। और इतना अच्छा सेंसिटिविटी होने का दो रीज़न है, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, उसके साथ 360Hz टच सैम्पलिंग रेट डिस्प्ले। तो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर टच सैम्पलिंग रेट और रिफ्रेश रेट अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। उसके साथ एमोलेड डिस्प्ले होने के वजह से गाइस डिस्प्ले का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलता है Nazo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पर गाइस क्वालिटी देख सकते हो डिस्प्ले का, बहुत ही ब्राइट यहाँ पर डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, 1300 निट ब्राइटनेस है। सो सोच सकते हो कितना ब्राइटनेस आपको इस डिस्प्ले के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पर पहली राउंड के अंदर तो मेरे को इस स्मार्टफोन का गेम प्ले भी ठीक ठाक देखने के लिए मिला, कोई भी लैगिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेम प्ले ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी इशू आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइस प्रोसेसर के मामले में भी Realme इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि Realme Nazo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा MediaTek की तरफ से डायमंड CT920 ऑक्टाकोर 5G चिपसेट। और ये चिपसेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, पावर एफिशिएंस भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। सो बैटरी एफिशिएंस बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो ये स्मार्टफोन, उतना ज़्यादा हीटिंग इशू भी इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा हल्का फुल्का हीटिंग इशू है, लेकिन मेजर हीट इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। गेम प्ले पूरा स्मूथ चलता है और प्रोसेसर के वजह से गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो गाइस हर एक स्मार्टफोन ब्रांड को देना चाहिए अभी के टाइम पर। और ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पर आपको अमेजन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा 22,000 प्राइस के अंदर, लेकिन अगर आप ऑफर पर यह स्मार्टफोन खरीदोगे तो आपको 15 या 16,000 के अंदर देखने के मिल जाएगा। और यह स्मार्टफोन मैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर लिया था सिर्फ 15,000 प्राइसिंग के अंदर। तो यहाँ पर गाइस Realme Nazo 50 Pro 5G का तो गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा दिया, नेक्स्ट है गाइस OnePlus Nord CE2 Lite 5G स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं OnePlus Nord CE2 Lite 5G स्मार्टफोन को ले लिया। अभी गाइस फाइट सीन के ऊपर जाके देखते हैं सेंसिटिविटी कैसे देखने के लिए मिलता है, हेडशॉट लगता है क्या नहीं और हीटिंग और लैगिंग इशू है या नहीं। अभी गाइस देख सकते हो फाइट सीन के ऊपर तो हम आ गए और यहाँ पर गाइस मैं गेम प्ले दिखाने के लिए नहीं आया, तो मेरा गेम प्ले मत दिखना, गेम प्ले उतना अच्छा नहीं है। और OnePlus Nord CE2 Lite मेरा स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए सेटिंग्स भी इधर उधर हो रखा है, मैं सेटिंग्स भी ठीक ठाक नहीं किया, इसलिए गाइस गेम प्ले मत देखना, आप लोग गेमिंग परफॉर्मेंस देखो स्मार्टफोन का। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो गेमिंग परफॉर्मेंस तो यहाँ पर ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है,
और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, उसके साथ टच सैम्पलिंग रेट भी 240 हर्ट्ज का, तो ठीक ठाक ही बोल सकते हो। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं मिलता है, IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। सो डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक बोल सकते हो, लेकिन रियलमी नाजो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन का डिस्प्ले क्वालिटी इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। और OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छा खासा प्रोसेसर इस बार OnePlus ने यूज़ किया, जो है गाइस स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर 5G चिपसेट, और यह चिपसेट सिर्फ 6 नैनोमीटर का चिपसेट है। सो इस चिपसेट के अंदर आपको उतना ज़्यादा लैगिंग और हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक बोल सकते हो इस स्मार्टफोन का। उसके साथ गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 5000 mAh का एक लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, उसके साथ बॉक्स के अंदर ही बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 33 वाट का चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, जो गाइस एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बोल सकते हो वन प्लस की तरफ से। और ऑब्वियसली वन प्लस नॉट CE2 लाइक एक बढ़िया फ़ोन है, लेकिन मेरे को रियलमी नाजो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन एक बैलेंस स्मार्टफोन लगा है। रियलमी नाजो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन के अंदर हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, जैसे गाइस डिस्प्ले यहाँ पर वन प्लस नॉट CE2 लाइट स्मार्टफोन के अंदर सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए नहीं मिलता, IPS डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन नाजो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी है। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। सो डिस्प्ले के मामले में तो रियलमी नाजो 50 प्रो 5G क्लियर विनर है। अभी गाइस प्रोसेसर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर ही बढ़िया है, 6 नैनोमीटर के ऊपर दोनों प्रोसेसर बना है, लेकिन जो रियलमी नाजो 50 प्रो 5G स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर यूज़ किया है उसका एंतुतु बेंचमार्क स्कोर है 5 लाख के करीब। सो 5 लाख के करीब एंतुतु बेंचमार्क स्कोर, मतलब गाइस सोच सकते हो रियलमी नाजो 50 प्रो 5G बहुत ही पावरफुल एक स्मार्टफोन है OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट गाइस बैटरी के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन सेम है, दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही 5000 बैटरी के साथ साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देंगे मिल जाता है, लेकिन अभी के टाइम पर हर एक स्मार्टफोन के ऊपर गेमिंग के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था, और यहाँ पर OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन Realme Nazo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस Realme Nazo 50 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर हर एक फीचर्स पूरा बैलेंस देखने के लिए मिलता है, जो इस स्मार्टफोन को एक बैलेंस स्मार्टफोन बनाता है अंडर 20,000 कैटेगरी के हिसाब से। सो गाइस ये था Realme Nazo 50 Pro 5G और OnePlus Nord CE2 Lite 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल गेमिंग कंपैरिजन वीडियो। मेरे को तो Realme Nazo 50 Pro 5G बहुत ही बेहतर स्मार्टफोन लगा है OnePlus Nord CE2 Lite स्मार्टफोन के कंपैरिजन में, लेकिन इन दोनों स्मार्टफोन का फुल गेमिंग रिव्यू मैं ले आऊँगा बहुत ही जल्दी गाइस, मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो को। सो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।